Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel, Neat Biology Unplugged. So I hope you all are doing good. You are preparing for your exams. NEET 2022 बहुत जल्दी आने वाला है और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग इम्पोर्टेंट MCQs विच कैन बी आस्क्ड इन NEET 2022. अब पूछा भी जा सकता है, उससे रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जा सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू पुट मोस्ट ऑफ द MCQs विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर कंसेप्चुअल बेस्ड, सो दैट आपसे स्किप ना हो और आप वो करेक्ट करेक्ट आंसर्स मार्क करके आ जाए और ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेकर नीट 2022 में आगे बढ़ जाए. ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट विल बी ऑन द टॉपिक मलेरिया फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. सो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक डिसीज हम ये चैप्टर से लेंगे बिकॉज ये चैप्टर से आपको MCQs आ सकते हैं. बोर्ड्स के लिए भी ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है. बहुत पहले मैंने बोर्ड्स के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वीडियो बनाया था फॉर लास्ट ईयर. दिस ईयर आल्सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एंड आई विल बी सून अपलोडिंग बाय जनवरी, सो दैट जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो फिर आपके प्रिपरेशन के लिए वो हेल्प हो जाएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट मलेरिया. सो मलेरिया एक ऐसी डिसीज है जिसके बारे में एटलीस्ट आपने नाम तो सुना होगा, करेक्ट राइट. सो मलेरिया इज समथिंग जो किससे होती है ये भी आपको पता होगा, इतना तो पता होगा कि वो मच्छर के काटने के वजह से होती है, राइट. अगर आपको कभी मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है तो यू वेरी वेल नो कि इट इज बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो बाइट. सो इट्स अ मॉस्किटो वेक्टर डिसीज. क्या यही रीजन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है या कोई और रीजन भी है, क्या कोई प्रोटिस्टा है या कुछ और है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड स्टडी मलेरिया इन डिटेल. So, malaria is a vector-borne disease. But कौन सा वेक्टर है? Mosquito-borne infectious disease of humans. So, ये मच्छर के वजह से फैलती है हमारे बॉडी में. एंड क्या डाल के जाता है ये मच्छर, जब हमें काटता है तो ये डालता है प्रोटिस्टा विच इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम. सो वी गेट इन्फेक्टेड बाय मलेरिया बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा प्लास्मोडियम एंड स्प्रेड बाय vector female anopheles mosquito. Is it clear everybody? So what is the vector over here? Vector is female anopheles mosquito. What is a causative agent? Causative agent is protista, that is plasmodium, or you can call it as malarial parasite. But aapko yaad rakhna hai ki aapko protista hi yaad rakhna hai as a causative agent because wo hi exam mein aapse pucha jayega. अब ये जो मलेरिया है कि काफी जगह स्प्रेड होता है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिसीज. बहुत सारे रीजन्स में आपको बहुत कॉमनली पाया जाएगा, जैसे कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक एशिया, सब सहारन अफ्रीका, अमेरिका तक में होता है मलेरिया. ओके, मतलब वहां पर भी मच्छर होना, मच्छरों का काटना बहुत कॉमन है. तो इंडिया में तो चलता ही है, येस और नो? तो इंडिया में तो मलेरिया फिर फैलेगा ही फैलेगा जब वो इतने सारे कंट्रीज में फैल रहा है. ठीक है, अब पॉजिटिव एजेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. वी ऑलरेडी नो कि पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है. पॉजिटिव एजेंट का नाम है प्लास्मोडियम. अब ये प्लास्मोडियम के चार स्पीशीज होते हैं. कितने स्पीशीज होते हैं? चार स्पीशीज होते हैं. तो फटाफट से नाम पढ़ लेते हैं. सो चार स्पीशीज जो होते हैं उसमें से द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम. व्हाट इज इट कॉल्ड? प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम वाइवैक्स. Third one is called as Plasmodium ovale and the last one is called as Plasmodium malariae. तो कितने तरीके के स्पीशीज है? चार तरीके के स्पीशीज है, अकॉर्डिंगली चार टाइप्स होते हैं. सो Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale एंड Plasmodium malariae. ठीक है, तो चार स्पीशीज है, आपको नाम याद रखना है एग्जाम्स के लिए. ठीक है, सो दीज आर द फोर स्पीशीज ऑफ मलेरिया जिसमें से सबसे जो सीवियर मलेरिया होता है दैट इज सीन इन द केस ऑफ प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. इजी से क्वेश्चंस में ही हम स्किप कर देते हैं. इजी से क्वेश्चंस में हमारे पांच पांच मार्क्स चले जाते हैं. सो पहले इजी पढ़ो, बाद में डिफिकल्ट तक पहुंचो. ठीक है, सो प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है? कॉजेस सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया. सो नाउ इफ इन केस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मलेरिया हो जाए, बट इफ इन केस यू गेट मलेरिया, so when you get your reports you should check because now you know what are the four types of species, yes or no? Okay, so you can check and you can know ki aapko kaun se type ka malaria hua hai. So malaria ka jo sabse severe case hai that will be seen in case of falciparum.
now how it is transmitted, as I told you before, it gets transmitted by infected female anopheles mosquito. See, it's a very important term. It is infected because wo anopheles female jo mosquito hai, uske andar wo infection hona chahiye. Agar wo nahi hoga aur wo hume kaategi, to are we going to get malaria? No, we are not going to get malaria, right? So, wo female anopheles mosquito, first wo khud infected hai, and then wo hamare andar ke infection ko spread kar rahi hai. So, it is injecting that malarial parasite into our blood. So, machar aaya, aapko kaata, aur kaatne ke time, aapke andar kya chhod kar gaya? Malarial parasite. Okay, so हमारे blood में वो क्या छोड़ कर गया? Malarial parasite. So now this disease, why does this disease progress? ये progress क्यों होती है? Because जब हमें infection होता है, तो उस time पे ये जो plasmodium है, ये हमारे RBC के अंदर multiply करता है. कहाँ पे multiply करता है? Inside the RBC. So disease results from multiplication of this plasmodium within RBCs. Okay, so now only remember that only female anopheles mosquito feeds on the blood. ठीक है, आपको क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि मेल मॉस्किटो क्यों नहीं काटता है? मेल मॉस्किटो आई मीन टू से मेल मॉस्किटो काटता है, बट मेल मॉस्किटो से डिसीज क्यों नहीं होती है? बिकॉज वो ब्लड पे जीता ही नहीं है, वो जीता है ऑन प्लांट सैप. दैट इज वाई वी से दैट ओनली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट द डिसीज एंड नॉट द मेल एनाफिलिस मॉस्किटो. Okay, so that is all about the causative agent. So I hope everybody is clear. It is due to protista plasmodium and by the vector female anopheles mosquito. Okay, now coming to the main part of the video, that is the life cycle. Itna difficult nahi hai jitni usually aapko books mein dikhti hai. This PPT is going to make it so easy for you that it is going to be memorized in your brain. And kabhi bhool gaye to fir se aa jana video pe dekh lena. Theek hai, chalo. So life cycle padhte hain. Life cycle, first of all, ye kafi thodi complicated hai. Samajhne mein nahi likha hai line mein, textbook mein likhi hai line, to maine bhi dal diya. Malarial parasite has complicated lifestyle and it involves two host. How many host? Two host. So it involves two hosts. So the first one is humans. ठीक है, सबसे पहला जो host है वो हम है, हम humans. We are the host. And the second one is female anopheles mosquito. इसके अलावा कोई और बताया था क्या? नहीं बताया था. तो obviously इसकी जो life cycle है वो इन दोनों के ही आजू बाजू घूमने वाली है. So it involves two hosts. The first one is human and the second one is female anopheles mosquito. Now let us study what happens in humans. So malaria in humans developed via two phase. The first phase is called as pre-erythrocytic. I think naam se clear hai. Pre-erythrocytic matlab erythrocyte ke andar jaane ke pehle kuch hota hoga. So that is the first phase, pre-erythrocytic. And the second one is erythrocytic, which would take place inside the RBC. So pre-erythrocytic kidhar hoga? Pre-erythrocytic will be infection of liver. ठीक है, वो होगा infection of liver and erythrocytic is infection of erythrocyte. Sorry, थोड़ी सर्दी हो गई है. So usually it's tingling. Okay, so दो phase में होती है. The first one is pre-erythrocytic, that is infection in the liver, and the second one is erythrocytic, that is infection which is taking place inside the RBC. Again an important MCQ. तो कितने phase में हो रही है? दो phase में हो रही है. Pre-erythrocytic liver में and erythrocytic inside the RBC. So now what happens when a mosquito bite a person? Just imagine mosquito aaya hai, aapko bite kar liya hai. So jab wo mosquito aapko bite karta hai, tab wo aapke andar kya chhod kar jata hai? Blood leke jata hai. Aur kya chhod ke jata hai? Sporozoids. Kya chhod ke jata hai? Sporozoids. So ye sporozoid will enter into your blood. So mosquito ne kaata, sporozoid aapke blood mein gaya. Theek hai? अब स्पोरोजॉइड जब ब्लड में चला गया है, ठीक है, सो स्पोरोजॉइड दिख रहे कैसे इमेजेस में? यू कैन आई फील यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पीपीटी बिकॉज़ इट्स एंटायरली एनिमेटेड. सो मॉस्किटो ने काटा है वंस अगेन, एंड मॉस्किटो ने काटा है, स्पोरोजॉइड गए हैं, एंड स्पोरोजॉइड किधर गए हैं? लिवर में. सो स्पोरोजॉइड किधर गए हैं? लिवर में. सी, अब लिवर के अंदर कौन से सेल्स है? हिपेटोसाइट्स. हमने लिवर पढ़ा है इन डिटेल. नहीं दिखाए तो प्लीज गो टू द चैनल, प्लेलिस्ट में जाओ, ह्यूमन न्यूट्रिशन देखो, समझ में आ जाएगा.
ठीक है, तो फिर ये स्पोरोजॉइड आपके ब्लड से लिवर सेल्स में, दैट इज हिपेटोसाइट्स में माइग्रेट हो जाते हैं एंड वहां पर इंफेक्शन स्प्रेड करते हैं. सो दे इन्फेक्ट द लिवर सेल एंड आफ्टर दैट दीज स्पोरोजॉइड इनसाइड द लिवर इटसेल्फ इट इज मल्टीप्लाइंग. सो इट इज मल्टीप्लाइंग, मोर मल्टीप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस एसेक्सुअली एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, दे चेंज देमसेल्फ इनटू मीरोजॉइड. किसमें बदल जाते हैं? मीरोजॉइड. सो वंस अगेन स्पोरोजॉइड लिवर पे गए, स्पोरोजॉइड मल्टीप्लाई करते 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 दे चेंज इनटू मीरोजॉइड. नाउ अब हिपैटिक सेल में बहुत सारे मीरोजॉइड है, तो एक टाइम आएगा जब हमारा जो सेल है वो फट जाएगा, राइट? इट विल रप्चर. व्हाई? बिकॉज इतना ज्यादा उसमें मीरोजॉइड भरा हुआ है. सो मीरोजॉइड रप्चर्स द लिवर सेल, फट गया. ठीक है, फट गया तो क्या बाहर आएगा? मीरोजॉइड ही बाहर आएगा ना. सो नाउ द मीरोजॉइड इज गोइंग टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम. सो मीरोजॉइड रप्चर, मीरोजॉइड फाइनली एंटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज. एंड वॉट डज इट डू? इट इन्फेक्ट द आरबी. Okay, so now within the RBC, so liver से RBC तक पहुंच गया है. So अब RBC के अंदर this merozoid is going to develop into a ring form like structure. दिख रही है ना ring जैसी? Into a ring form like structure and it forms gametocytes. क्या बनाता है? Gametocytes. Or it will form trophocytes. ठीक है, तो रिंग फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बना लिया तो कुछ गैमेटोसाइट में बदल गए, कुछ ट्रोफोजॉइट में बदल गए. इज इट क्लियर? एंड नाउ दिस ट्रोफोजॉइट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्किजोन. व्हाट आर दे कॉल्ड? स्किजोन. एंड नाउ दिस स्किजोन इज गोइंग टू इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी एंड अगेन दे विल चेंज इनटू मीरोजॉइड. दे विल गेट चेंज इनटू व्हाट? मीरोजॉइड. सो लेट अस रिपीट दिस this slide once again. ठीक है, चलो फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते एक बार. ठीक है, मच्छर ने काट लिया है, स्पोरोजॉइड ब्लड में हमारे घुस गया है, वहां से स्पोरोजॉइड लिवर में गया है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लिवर सेल रप्चर, मीरोजॉइड कहाँ पर आ गया? ब्लड में आ गया. नाउ ब्लड में आने के बाद वो आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर उसने रिंग फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसने फिर गैमेटोसाइट बनाया या फिर उसने ट्रोफोजॉइड. सो इफ इट हैज चेंज्ड इटसेल्फ इन ट्रोफोजॉइड, नाउ इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म स्किजोन एंड नाउ द स्किजोन विल अगेन फॉर्म इनटू मीरोजॉइड एंड इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज. ओके, सो दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज. ओके, सो दैट इज द फेस ऑफ योर आरबीसी. Now, what is happening within the RBC? Within the RBC, when the parasite is multiplying, right? जब ये parasite अंदर ही अंदर multiply कर रहा है, so and अंदर अंदर multiply करके फिर RBC break हो रहा है. Obviously, because RBC is also having a particular space. तो जब हमारा जो plasmodium है अंदर ही अंदर divide कर रहा है, तो एक time बाद जो हमारे RBC है वो भी rupture हो जाएंगे, right? And this is very, very important point now. Listen carefully. And this periodically breaking out of the RBC will lead to fever. Several amplification of fever. It's a classical description of wave of fever. So this wave of fever arises from simultaneous waves of merozoid escaping and infecting RBC. तो जब जब ये मीरोजॉइड नए आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, पुराना आरबीसी रप्चर होता है, फिर से नए आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तब तब आपको फीवर आता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ओके, सो क्लासिकल फीवर अराइज व्हेन, इट अराइजेस व्हेन मीरोजॉइड एस्केप्स एंड इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज. ओके, एंड क्यों इन्फेक्ट करेगा न्यू आरबीसी? बिकॉज अंदर ही अंदर वो आरबीसी के मल्टीप्लाई कर रहा है, आरबीसी रप्चर होगा, मीरोजॉइड निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा ही करेगा. ओके, सो नाउ दैट इज द लाइफ साइकिल इन ह्यूमन. तो यहाँ पर ह्यूमन्स की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है. अब हम आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं अबाउट लाइफ साइकिल इन एनाफिलिस मॉस्किटो. सो नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट टू. ओके, आई थिंक पार्ट वन ईजी है. अगेन हम समराइज करेंगे लास्ट साइड में, सो दैट फटाफट से दिमाग के अंदर ना अच्छे से बैठ जाए आपके. ठीक है, तो अभी एनाफिलिस मॉस्किटो में बहुत इजी सी है ये.
तो अब क्या हुआ, जब मॉस्किटो आपको काटने आ रहा था पर वो मॉस्किटो को नहीं पता था कि आपको मलेरिया है, करेक्ट करेक्ट, तो इस टाइम ये इंफेक्शन किसके अंदर गया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। मच्छर तो सोच के आ रहा था भाई मैं जा रहा हूँ अपना ब्लड मील लेने, बट उसी चक्कर में ब्लड लेते लेते वो अपने साथ क्या ले गया, मलेरियल पैरासाइट ले गया। ठीक है, सो मॉस्किटो फर्स्ट इंजेस्ट द मलेरियल पैरासाइट व्हेन इट कम्स टू अटैक यू। ओके, जब वो आपको अटैक करने आता है तो वो अपने अंदर ही मॉस्किटो पैरासाइट, बिकॉज उसको नहीं पता है ना आपको आपको मलेरिया है, राइट, तो वो अपने अंदर ही ये पैरासाइट को ले गया। देखा हाउ इट इज गोइंग इनसाइड द मॉस्किटो। एंड नाउ द गैमेटोसाइट, बताया था ना मीरोजोइड रिंग फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ट्रोपोजोइड और गैमेटोसाइट, राइट, तो जो अभी गैमेटोसाइट्स वहां पर बने थे तो वो चले गए अब मॉस्किटो के अंदर। अब वो मॉस्किटो के अंदर दिस गैमेटोसाइट्स गेट डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल एंड मेल गैमेट। किसमें डिफरेंशिएट हो गए, फीमेल एंड मेल गैमेट्स में। सो नाउ दे गेट डिफरेंशिएटेड इन वेयर, दे गेट डिफरेंशिएटेड इन मॉस्किटोज गट्स, एंड फाइनली बोथ ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फ्यूज्ड। कैन यू सी हाउ इट्स गेटिंग फ्यूज्ड, so it gets fused and it forms what, it forms no zygote, zygote in humans, here we say that it produces oocyanite. What does it produce? It produces oocyanite. Okay, so ye sab oocyanite produce hone ke baad oocyanite will now penetrate the gut lining. Ab wo gut lining ke andar jaakar it will change itself into oocyst, it will change into oocyst. अब oocyst के अंदर क्या बना था, oocyst के अंदर और कुछ नहीं, sporozoid ही बने हैं, right? And now finally this oocyst rupture and it releases sporozoid. And this sporozoid धीरे धीरे via blood it migrate to salivary gland of mosquitoes. It migrates to the salivary gland of mosquito. And when the mosquito bites you, this is how the sporozoid enter into your blood. Is it clear? So now finally this sporozoid finally enter into the blood. So this is the life cycle of a mosquito. I know it is little bit complicated, but itna complicated nahi hai ki hum ise chhod kar exams mein chale jaye. ओके, हम जा सकते हैं इसे छोड़ के एग्जाम्स में? नो, व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट दैट इजी। अभी एक स्लाइड पे जब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सो 110% इट्स माय गारंटी इट्स गोइंग टू गो इनटू योर हेड। कम ऑन, फटाफट से लेट अस लर्न दैट। ओके, सो क्या हो रहा है, स्पोर मच्छर काट रहा है, मच्छर काटने के बाद आपके अंदर क्या गया, स्पोरोजॉइड। ये स्पोरोजॉइड किधर गया, लिवर इन ह्यूमंस। फिर जब वो लिवर में जा रहा है, सो इट्स अ प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, वहां पर इट इज मल्टीप्लाइंग हेपेटोसाइट्स रप्चर एंड रिलीज मीरोजॉइड्स। फिर ये जो मीरोजॉइड्स है वाया ब्लड इट रीचेस वेयर टू योर आरबीसी, सो दैट इज योर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब आरबीसी के अंदर ये मीरोजॉइड्स रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं विच चेंज इनटू ट्रोफोजॉइड, एंड ट्रोफोजॉइड विल चेंज इनटू स्किजॉन्स, एंड फाइनली अगेन इट विल फॉर्म मीरोजॉइड. And now this merozoid will again infect the new RBCs. And that is the time where you're going to get a fever. Is it clear? So when are you going to get fever? You're going to get fever when it attacks your RBC again. Okay? And from ring-like, either it will form gametocytes. Okay? So jab wo gametocytes ban jayenge, to mosquito aaya, aapko fir kaat ke gaya. Is time pe kya lekar gaya? कुछ आया है तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो गैमेटोसाइट लेकर गया, एंड गैमेटोसाइट फिर बॉडी के अंदर, गट के अंदर, मॉस्किटो के, नाउ दिस इज हैपनिंग एवरीथिंग इन मॉस्किटो, मॉस्किटो के गट के अंदर इट इज फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विच फ्यूजेस फॉर्म ओकाइनाइट, पेनिट्रेट द गट वॉल, फॉर्म ओसिस्ट, ओसिस्ट के अंदर स्पोरोजॉइड बना है, फाइनली ओसाइट रप्चर, एंड दिस sporozoid goes to the salivary gland of the mosquito. And now when the mosquito bites a person, it injects the sporozoid. Is it clear? So this is the complex but easy life cycle of mosquito. ठीक है, तो ये वाली जो life cycle है, ये NCERT वाली है, but कुछ बच्चे जो देख रहे हैं वो शायद HSC के भी होंगे,
तो ये वाली जो बुक्स में दी हुई है ये आपके HSC की है, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल विच इज गिवन इन योर HSC। सो ये वही है, देखो हिपेटिक सेल्स रप्चर हो रहा है, स्किमिरोजॉइड बन रहा है, फिर स्किजोन बन रहा है, फिर एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर एरिथ्रोसाइटिक स्किजोन मतलब फिर से स्किजोन इन्फेक्ट कर रहा है मिरोजॉइड बदल के RBC को, सेम थिंग, फिर गेमेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर मॉस्किटो गेमेटोसाइट्स को लेके जा रहा है। जस्ट फ्यू मोर वर्ड्स लाइक इट इज फर्स्ट फॉर्मिंग माइक्रोगैमेट, सो यर देव गिवन द नेम्स लाइक माइक्रोगैमेट मिक्रोगैमेट, जो फ्यूज होके अगेन जाइगोट बनता है, ओओकाइनाइट बनता है, देन ओओसिस्ट, देन सिस्ट स्ट्रक्चर एंड फाइनली स्पोरोसाइट। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल विच इज सीन इन मलेरिया। Is it clear? So that is the life cycle of malaria. Now let us go to the next part, that is sign and symptom. Sign and symptom, जिसको मलेरिया हुआ है उसको पता है कि मलेरिया का जो फीवर है that is very classic. ठीक है, मतलब मलेरिया का जब फीवर आता है तो वहीं से आधे जो दिमाग वाले होते हैं उनको क्लिक हो जाता है भाई ये शायद मलेरिया ही है, ठीक है। सो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज फीवर, ओके। सो सडन कोल्डनेस, अचानक से ठंडी लगेगी, विच विल बी फॉलोड बाई रैगर एंड फीवर, फिर बाद में आपको स्वेटिंग होगी विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स एंड देन अगेन यू माइट गेट फीवर, ओके। सो जो वेव्स ऑफ फीवर होते हैं, नाउ इट डिपेंड्स कि कौन से स्पीशीज से आपको प्लास्मोडियम हुआ है। सो इफ यू आर इन्फेक्टेड विथ वाइवैक्स एंड ओवेल, यू आर गोइंग टू प्रोबेबली गेट फीवर एवरी 2 days, इफ यू आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड बाई मलेरिया तो एवरी 3 days, एंड डेली बाय पैल्सिपेरम। तो मतलब फीवर का जो टाइम होता है, जो स्पैन होता है, वो भी काफी फिक्स होता है मलेरिया में, ओके, हर 2 दिन में या हर 3 दिन में या फिर डेली, डिपेंडिंग आपको कौन से स्पीशीज ने काटा है, ओके। एंड व्हेन इट इज गोइंग टू अराइज, नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत बार बोला है, दैट इट इज गोइंग टू अराइज, द फीवर इज गोइंग टू टेक प्लेस व्हेन द मिरोजॉइड विल एस्केप एंड इन्फेक्ट द न्यू RBCs. Apart from that, there are certain more symptoms like arthralgia, which is the joint pain, vomiting, then there is obviously RBC break ho rahi hai, toh uske wajah se anemia would be one of the symptoms, hemoglobinuria, that is blood in urine, that could be the other symptom, and in severe cases, there could be retinal damage, but there is this is something which will be finding in very, very severe cases, theek hai? सीवियर केसेस में कन्वर्शंस भी हो सकते हैं, बट यूजुअली नहीं होता है ये सब, बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट ट्रीटेड, आपका रिपोर्ट्स में इट कम्स डाउन एंड देन यू गेट ट्रीटेड फॉर इट, ओके। सो सीवियर मलेरिया एज आई टोल्ड यू इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ फाल्सिपेरम विच टेक्स प्लेस डेली एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू RBCs, मिरोजॉइड इन्फेक्टिंग द न्यू RBCs. नाउ if it is very severe malaria, so you can get symptoms like hepatomegaly, obviously hepatomegaly means enlarged liver because वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिरोजॉइड का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, then splenomegaly because बहुत ज़्यादा RBC break हो रहे हैं and RBCs जो break होते हैं it goes into spleen because you might be knowing that कि spleen is called as a graveyard of RBCs, okay, normally भी RBCs every 120 days में destroy होते हैं spleen में, so as यहाँ पर भी RBCs काफी ज़्यादा destroy हो रहे हैं तो spleen gets enlarged and that is called as splenomegaly. Then hypoglycemia means आपका blood sugar level कम हो सकता है, you might get severe headache as well, so these are also few symptoms. तो हीमोग्लोबिनुरिया अगर ज्यादा होगा तो इट माइट चेंज टू रीनल फेलियर ऑल्सो, बट दिस इज एज आई टोल्ड यू वेरी रेयर केस एंड समटाइम्स अ पर्सन मे हैव अ सेरिब्रल इस्केमिया, ओके। सो नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटेटिव मेजर्स, सो व्हाट आर द प्रिवेंटेटिव मेजर्स, सो प्रिवेंटेटिव मेजर्स में वी हैव टू रिमेम्बर दैट ऑब्वियसली ये मॉस्किटो के वजह से हो रहा है तो मॉस्किटो को ही रोकना है, सो वी हैव टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट बाय मॉस्किटो नेट्स, यू कैन यूज इंसेक्ट रिपेलेंट like this, ये सब आपने use किया होगा घर में, right? Apart from that, you can use mosquito control measures like spraying insecticides. You should see that there is no stagnant water because as I told you in the start of the lecture, stagnant water में ही mosquitoes जो होते हैं वो eggs देते हैं और वहीं पे larvae develop होते हैं. So draining of the stagnant water is very very important. And one more thing is, if in case obviously बहुत ज़्यादा water accumulated है वहाँ पर larvae अगर हैं, so what you can do is you can put a Gembusa fish. So release of Gembusa fish will control the larvae because it is the food of this fish. Okay.
So that is all about the malaria in detail. So this is what you have to remember. Like treatment mein as such kuch hai nahi. Treatment mein, obviously, treatment of malaria includes certain combinations of therapies like ACTs. Who has recommended 5 different ACTs, which includes various combinations of artesunate, sulfadoxin, pyrimethamine, etc. Okay, in addition to that, quinine is also given. See, usually treatment mein aapko likhna nahi hota hai, ye aap obviously jab need clear kar lenge, tab aap pad lena. ठीक है, अभी के लिए आप लाइफ साइकिल पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. ये याद रखो कि ये जब न्यू आरबीसी इन्फेक्ट करती है, दैट इज अ टाइम व्हेन क्लासिकल फीवर अराइजेस. नाउ बिफोर गोइंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. इफ यू आर वॉचिंग वीडियो, आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी वॉट इज हीमोजोइन. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक इटसेल्फ, बट आई डिडंट वांटेड टू से बिकॉज़ आई वांटेड टू सी वेदर यू पीपल डू राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स और नॉट. ऑब्वियसली अगर आपने नहीं लिखा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी 2-3 दिन बाद, वीडियो के आने के बाद, सो दैट ऑब्वियसली आपको पता चले कि वॉट इज हीमोजोइन, बिकॉज हीमोजोइन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, बट स्टिल इफ यू नो वॉट इज हीमोजोइन, डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड द साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स. ओके, बिकॉज ओनली यू एंड यू कैन डू इट. यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन ऑलवेज 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 डू इट, एंड यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली. ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर.